रफा पर हमले के बीच इजरायली सेना गाजा के भीतर कराहने लगी है। इजरायली फौज गाजा में ये सोचकर घुसी थी कि वो हमास का सफाया करके निकलेगी, लेकिन हमास की ढाल बनकर खड़ा हिजबुल्ला बार बार उत्तरी इसराइल को अपने हवाई हमलों से दहला रहा है, जिसकी वजह से इजरायली फौज की ताकत दो फ्रंट पर बढ़ चुकी है। एक तरफ गाजा के भीतर हमास है तो दूसरी तरफ उत्तरी बॉर्डर पर फन फैलाए खड़ा हिजबुल्ला उसे निकलने की लगातार कोशिश कर रहा है। दरअसल हिजबुल्ला ने आईडीएफ के खिलाफ एक साथ 11 हमले किए हैं। 23 मई 2024 की सुबह को हिजबुल्ला ने इसराइल की 51वीं डिवीजन के हेडक्वार्टर पर एक बड़ा हमला किया जो उत्तरी फ्रंट को संभालती है। इस हमले के अलावा हिजबुल्ला ने आईडीएफ की हिराम ब्रिगेड के हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया। आईडीएफ की ये ब्रिगेड लेबनान के पूर्वी इलाके में ऑपरेशन संभालती है और इसमें 3 बटालियन आती हैं। बड़ी बात यह है कि हिजबुल्ला ने इसी ब्रिगेड पर कई ग्रेड टाइप रॉकेट और फलक रॉकेट से हमला किया। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने हिराम ब्रिगेड के हेडक्वार्टर पर रॉकेट का एक पूरा सोल्वो दागा है और इस अटैक के अलावा किरियत शमोना के पास इजरायली सेना पर एक ड्रोन हमला भी किया है। हिजबुल्ला का कहना है कि उसका आत्मघाती ड्रोन आईडीएफ की 759वीं टेरिटोरियल ब्रिगेड के हेडक्वार्टर पर जाकर गिरा, जो की किरियत शमोना बेस में है, और आईडीएफ का ये सैन्य अड्डा कैंप गिबोर के नाम से भी जाना जाता है, जो इजरायली सेना की हिराम ब्रिगेड का प्रशासनिक हेडक्वार्टर है। वहीं इन हमलों को लेकर इजरायली सेना का कहना है कि 23 मई 2024 को हिजबुल्ला ने लेबनान से करीब 30 कत्यूशा रॉकेट्स उत्तरी इजरायल की तरफ दागे थे। इनमें से कई रॉकेट्स को इंटरसेप्ट कर लिया गया था, जबकि कुछ रॉकेट्स खुले इलाके में जाकर गिरे थे। हालांकि इन हमलों में कोई चोटिल नहीं हुआ। आईडीएफ का कहना है कि जो रॉकेट्स खुले में जाकर गिरे उनकी वजह से हूला वैली इलाके में झाड़ियों में आग लग गई थी। आईडीएफ का ये भी कहना है कि हमले के तुरंत बाद आईडीएफ के जेट्स ने उस जगह पर हमला किया जहां से ये रॉकेट लॉन्च किए गए थे। हालांकि उन हमलों की वजह से गैलिली, यारोन और एविविम में हवाई हमलों के सायरन बजे थे। सबसे अहम बात यह है कि ये सभी इलाके फ्रंट लाइन से करीब 10 किलोमीटर दूर है। आपको बता दें कि इस हमले से पहले आईडीएफ ने एक हवाई हमले में हिजबुल्ला के सीनियर सदस्य मोहम्मद अली नासिर फरान को मार गिराया था, जो हिजबुल्ला के लिए रणनीतिक और विशेष हथियारों की खरीदारी करता था।